नमस्कार, दहाड़ देख रहे हैं आपके साथ, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 2024 चुनाव से ठीक पहले बंगाल में सियासी पारा हाई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के एक नेता पर संदेश खाली की महिलाओं की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और इससे पहले शाहजहां शेख के ठिकानों पर जब ईडी की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी, तब भी शाहजहां शेख के गुंडों ने टीएमसी की दरअसल ईडी की टीम पर हमला कर दिया था और टीएमसी का नेता और महिलाओं के साथ रेप का आरोपी शाहजहां शेख फरार चल रहा है। आरोप ममता सरकार पर है कि उसे संरक्षण दिया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बंगाल के अलग अलग इलाकों में लगातार प्रदर्शन जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है। ये टीम संदेशखाली में पीड़ितों से मिलने पहुंची, लेकिन धारा 144 का हवाला देकर उनको रोक दिया गया। इसके बाद बीजेपी डेलीगेशन ने मामले की शिकायत राज्यपाल से भी की। केवल बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की तरफ से भी राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दी गई है। और आगे बढ़ने से पहले इस मामले पर कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। संदेश खाली आज के नतुन नये आरएसएस भाषा आज 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে, কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট মনে রাখবেন। দিস ইজ আই এম সেইং নট অনলি ফর দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল, খালি বাংলাকে বলছি না, ইভেন ভারতবাসীর লোকেদের বলছি, দ্য টাইম হ্যাজ কাম নাও ইউ রাইজ। যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, আই থিঙ্ক এর থেকে ঘৃণনীয় কাজ কিছু হতে পারে। এসে জাদা ঘৃণনীয় কাম কিছু নেই হতে। I understand, but you are with the women, you are playing such kind of games, I mean, it's unbelievable. चलिए, politics is a different thing. हम political लड़ाई करेंगे, political बातें करेंगे, this is beyond politics. I think you all have the responsibility to see that इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। They have the rights, they have the voice, and the voice should not be clogged. That's it. कि पहली बार इतिहास में शायद कमीशन जाके खुद आपने व्यवस्था में रहा और नेक्स्ट डे हम लोग संदेश के लिए पहुंच गया। उसने कहा बाद वो महिलाओं को जो अर्तनाद, उन लोगों का जो एटीट्यूड, बहुत कुछ बोलने चाहता है लेकिन एक एटमोस्फेयर ऐसा करके रखा है जो बोल नहीं पा रहा है। एक तो महिला के ऊपर इज्जत का सवाल है, सबके सामने बोल नहीं पा रहा है, लेकिन 34 साल इस फील्ड में काम करने का कारण में मेरे अनुभव था, मैंने सारे चीज समझ लिए जो लोग क्या बोलना चाहता है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ कराएं, लेकिन उससे पहले दहाड़ के सवाल। क्या आरोपी शाहजहां शेख को ममता सरकार का संरक्षण है? क्या तुष्टिकरण की वजह से शाहजहां शेख पर एक्शन नहीं हो रहा? क्या महिलाओं के सम्मान पर राजनीति हो रही है? और क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा आखिर रुक क्यों नहीं हो रही है? इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ कराएं। प्रत्युष सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मुन्ना खान जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, और राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत स्वागत है। टीएमसी की तरफ से भी हमें कुछ ही वक्त में नेता जूही जी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मुन्ना खान जी आपसे ही, क्या संदेश खाली पर घटना को लेकर राजनीति हो रही है या इस मामले को लेकर ममता सरकार शाहजहां शेख को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है? देखिए, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है आयुष जी कि इन मामलों में तो कभी राजनीति होनी नहीं चाहिए। बेशक क्योंकि ये एक महिला जो हमारे समाज की बहु बेटियां हैं उनके ऊपर अगर किसी तरह का टीका टिप्पणी अत्याचार की बात है तो हम सभी दल को एक होकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बंगाल सरकार जो ममता बनर्जी के शासनकाल में आए दिन महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं, उनकी तो सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल देश का है और देश के भविष्य का है और देश की महिलाओं का है। तो मैं समझता हूँ देश की महिलाओं का अगर अपमान होगा तो भारत देश की जनता कभी किसी को माफ करने वाली नहीं है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार टीएमसी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो जनता इसे माफ नहीं करने वाली, जनता हर सवाल के जवाब चाहती है कि आप जो कहते हो कि बेटी एक महत्वपूर्ण विषय है हिंदुस्तान में और नारी का सम्मान
जो भारत देश में किया जाता है ये विश्व में प्रख्यात है, विश्व में जाने जाता है कि हम लोग नारी का अनादर नहीं आदर करते हैं। तो उन नारियों के साथ, उन बहन बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार किसी तरह का टिक्का टिक्की हो रहा है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत बात है, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। हाँ, सवाल यह है कि सरकार अगर सख्त कार्रवाई करे तो मैं समझता हूँ ये ऐसी घटनाएं रुक जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार कार्रवाई करते विफल नजर आ रही है। टीएमसी के नेता जूही विश्वास जी, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जूही जी, स्वागत है। सवाल आपसे यही कि क्या संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है शाहजहां शेख को, यह आरोप कांग्रेस का, यह आरोप बीजेपी का। राज्यपाल की रिपोर्ट ये कहती है, एनएसएससी की तरफ से यही कहा गया, एनसीएससी की तरफ से कि ममता सरकार बचाने का प्रयास करी शाहजहां शेख को। नमस्कार जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि हम लोग बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, आप उन्होंने कल खुद खड़ी होकर ये विधानसभा में उन्होंने बोला कि हम कभी भी अपने जिंदगी में किसी भी अन्याय का प्रश्रय उन्होंने नहीं दिया। तो आज शाहजहां शेख या कोई भी गुनेगार, अगर कोई भी गुनेगार साबित होता है, किसके जिसके ऊपर खिलाफ कोई भी अत्याचार का या किसी भी आरोप होता है, उनके खिलाफ हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। किसी को कोई संरक्षण के कोई सवाल ही नहीं उठते। दूसरी बात है, आप देखेंगे उत्तम हजरा जिनके खिलाफ हम ये जो हम लोगों ने जो कंप्लेन सुना था, उनको ऑलरेडी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया 6 साल के लिए। और भी जिनके जिनके खिलाफ था उनको एफआईआर जिनका नाम आया था, सभी को 17 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। तो कोई भी सवाल नहीं उठता कि किसी भी गुनेगार को बचाने का। अगर घटना में सच्चाई है सर, अगर घटना में सच्चाई है, मैं आपको ये भी बता दूं कि घटना जो दिखाया जा रहा है बहुत बड़ी तरीके से दिखाया जा रहा है, इतना साजिश रचा गया है, और साजिश के अंदर अगर कोई भी सच्चाई है तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट टीएमसी क्यों कह रही है जूही जी की इस घटना को बड़ा प्रोजेक्ट किया जा रहा है? क्या महिलाओं की सम्मान का मुद्दा देश के लिए बड़ा नहीं है? महिलाओं के सम्मान के मुद्दा हमारे बंगाल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, इसीलिए बंगाल में 2021 में 50 शतक महिला ममता बनर्जी को चुने हैं, अपनी बेटी को चुने हैं। अगर आप देखेंगे महिला बंगाल में फर्स्ट प्रायोरिटी है, हम लोग देवी का पूजा करते हैं और महिला का पूजा पहले होता है बंगाल में। महिला का मुद्दा, महिला सुरक्षा मुद्दा बंगाल का फर्स्ट प्रायोरिटी है। तुम तमाम कोशिशों के बावजूद कोई भी पक्ष आपसे कोई भी पक्ष सहमत क्यों नहीं है? आपसे आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस सहमत नहीं है जो इंडिया गठबंधन में आपके साथ थी, आपसे विपक्ष बीजेपी सहमत नहीं है, राज्यपाल आपकी बात से सहमत नहीं है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपसे सहमत नहीं है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स आपसे सहमत नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है सभी को, हर पक्ष को, कि ममता सरकार में महिलाओं के साथ संदेश खाली में जो हुआ वो जघन्य अपराध है? आयुषी, अगर महिला के खिलाफ कोई भी एक महिला के खिलाफ भी अत्याचार हुआ है, कोई भी खिलाफ अगर एक भी एफआईआर दर्ज अगर होते तो हम लोग उनके खिलाफ जरूर एक्शन लेते, लेकिन कोई भी एक महिला आके एफआईआर नहीं लॉन्च किया। शिकायत तो तब आई जब शाहजहां शेख फरार हो गया, यही कहा जा रहा है कि जब तक वो था किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि महिलाएं शिकायत करने पहुंच पाए। जब वो फरार हुआ, ईडी की टीम पर हमला होता है, उसके बाद महिलाओं में हिम्मत जागी, उन्होंने शिकायत की, और उसके बाद भी शाहजहां शेख का अब तक अता पता नहीं लग रहा है। वो नेता जो आपकी पार्टी का नेता है, लगातार आपकी पार्टी में रहा है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये पुलिस का फेलर नहीं है क्या? ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलर नहीं है? मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहले तो बात तो ये है कि कोई भी गुनेगार को नहीं छूटेगा, बंगाल सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात है, देखिए आज तो पहली बात, अगर ऐसे 10 साल से तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 10 साल से ज्यादा हो गया, 12 साल से ज्यादा गवर्नमेंट में है, अगर अत्याचार हुआ है तो 1-2 दिन में तो नहीं हुआ, तो सालों भर उन्होंने बोला कि सालों भर हो रहा है, तो इतना सालों से अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो कोई भी तो एक तो सबूत होगा उनके पास। ये तो वही लॉजिक हो गया कि महिला पहलवानों ने इस तारीख को क्यों बोला, इस तारीख तक क्यों नहीं बोला, नहीं कर पाए। आप लोग इसको मुद्दा बना रहे थे कि जब बोला गया तभी अपराध है, ये राहुल जी कितना जस्टिफाइड है ये बताइए आप। आप लोग तो खुद कह रहे थे महिलाओं के खिलाफ जब भी बात होगी तो ये चुना जाएगा क्या कि किस तारीख को बताया गया किस तारीख को नहीं बताया गया? नहीं, देखिए महिलाओं के मामले पे मैं इस तरह से सहमत नहीं हूँगा कि क्या किस तिथि को, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल सरकार महिलाओं को लेके काफी, मैं इस पैनल पे इस चीज को डंके के चोट पे रखूंगा कि महिला अत्याचार के मामले पे वो काफी संवेदनशील रही है। ये आयुष जी एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, आप एनसीआरबी के तमाम अगर हम लोग आंकड़ों को भी देखें, आप देखिए उसमें तमाम महानगर में सबसे संवेदनशीलता है, बताइए कि अभी तक बताया नहीं गया था, ये संवेदनशीलता आपको लग रहा है? देखिए अब एक तो उत्तम हजारा को गिरफ्तार, उत्तम को उनको सरदार को उनको गिरफ्तार किया गया है, दूसरे जो आरोपी हैं हजारा उनके पीछे पूरी टीम लगी पड़ी हुई है,
तो ये 17 आरोपी आपने गिरफ्तार कर लिए, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुख्य आरोपी शाहजहां शेख कहाँ है? शाहजहां शेख को खोजा जा रहा है, उनको देखिए, शाहजहां शेख तो आरोपी राज्य सरकार के लिए भी, और शाहजहां शेख आरोपी केंद्र सरकार के लिए भी है, ईडी के लिए भी है, तो वो तो केंद्र सरकार की एजेंसियां भी खोजे यहाँ पे, तो उस मामले में तो फिर केंद्र सरकार की भी ड्यूटी बनती है और राज्य सरकार की भी ड्यूटी बनती है, तो उनको खोजने का काम हमें लग रहा है, हो सकता है कहीं वो इधर उधर पश्चिम बंगाल न चले गए हों, तो वो अब उनके ऊपर ध्यान रखने की हमारी जो तमाम एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। और जो एक सवाल बार बार आपके आपके ऊपर भी लिखा हुआ है कि पुलिस ने डाले अस्त्र, क्या अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? तो भाई, अगर राष्ट्रपति शासन लगने का क्या मापदंड है? अगर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल का नंबर आएगा कि मणिपुर का नंबर आएगा राष्ट्रपति शासन के लिए? वहां पे तमाम तस्वीरों को, तमाम वीडियोस को हम लोगों ने देखा था, आज तक वो मुख्यमंत्री उसी जगह पे बैठा हुआ है। भूषण का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा और राष्ट्रपति शासन लगे बंगाल में, प्रत्युष जी। प्लीज अनम्यूट करिएगा प्रत्युष अपने आपको। नहीं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, इसे दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैथिल साहब, आप बताइए, क्या महिला सुरक्षा को लेकर देश में राजनीति ही होती रहेगी? और बंगाल के मुद्दे पर लगातार, चाहे राजनीतिक हिंसा की बात हो या इस तरह के मुद्दों की बात हो, सरकार घिरा क्यों करती है बार बार? धन्यवाद आयुष। पहले तो आपको, सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है, एक सात सूत्रीय सोशल सिस्टम के लिए जो कि संदेश खाली में हुआ। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि शहजाद शेख कहां है, उसको पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे। मेरा प्रश्न ये है कि आखिर 12 साल से वो ऐसा काम करता कैसे रहा? मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा छप्पर है ममता बनर्जी सरकार के। 11 साल पश्चिम ममता बनर्जी सरकार के तो 12 साल नहीं हुए हैं, और आपने 11 में नहीं, तो सरकार के कितने साल हुए हैं? सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपको सुना उन्होंने, सुन देखिए आयु जी, देखिए आयु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 12 साल से बंगाल के अंदर लगातार वो हर घर के सामने जाके खड़ा होता था और अपनी मन मर्जी की हिंदू महिला, तो इधर देखिए ना, जहाँ आप सरकार में है वहाँ पे महिलाओं के न्याय के लिए क्या किया? पहले ये तो उठा दीजिए, जब राहुल गांधी जाते हैं हाथ रस में तो कहते हैं कि पॉलिटिकल गेम करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे माहौल बिगाड़ने के लिए हम चले जा रहे हैं, सारे के सारे लोग इलेक्शन का समय आ रहा है, महिलाओं का सुरक्षा। राहुल जी एक बात, राहुल जी दो तरफा रवैया है। राहुल जी देखिए, सुनिए, यही सुन लीजिए, तमाम डिबेट में इनके साथ होता था, कभी भी ब्रजभूषण सरन सिंह को लेकर एक आलोचना के शब्द नहीं बोले इन्होंने। राहुल जी एक बार सुन लीजिए, इसके बाद आप जवाब लीजिए। हाँ बोलिए मैथिल साहब, बात पूरी करिए। देखिए 12 साल से लगातार शहजाद शेख और उसका पूरा गैंग पीएमसी ऑफिस में बुला बुला के महिला के बलात्कार कर रहा था, इस चीज की जानकारी एसपी को थी, डीएसपी की थी, जिलेन को थी, मुख्यमंत्री कार्यालय को थी, सभी को थी, लेकिन उन्हें गुंडे पाले। मुझे आयुष याद आ रहा है अजमेर कुंड, उस अजमेर कुंड की हजारों बच्चियों का बलात्कार इसी प्रकार से तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस के लीडर ने चिट्ठी किया था, आज वही चीज यहाँ हो रही है। पूछना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल की सरकार की, आप बोल रही है क्या, उन पर कार्रवाई करते हैं? आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए, आखिर इतनी हैसियत कैसे हो गई इस बलात्कारी की कि वो घर जाकर महिला को बुलाते हैं? ये नशा पीने लिया आप संदेश खाली के घटनाक्रम का पूरा नहीं जान रहे हैं। मैं जी जमीन के पट्टे से संबंधित बड़ा संवाद है वो, जिसको लेकर आरोप प्रचारों पर लगाए गए हैं। ये कैसे कह रहे हैं राहुल जी, आपकी जमीन से जुड़ा मामला आपको किसने बताया? बिल्कुल देखिए, वहाँ के भाई जो वहाँ की पुलिस है उसके तरफ से लगातार वहाँ के तो वो पुलिस कहाँ थी जब ये जमीन का पट्टा था, जब अपराध हो रहा जमीन के पट्टे से संबंधित मामला पर विवाद कहाँ थी पुलिस? वो पुलिस कहाँ थी जब महिलाओं ने शिकायत दी? वो पुलिस कहाँ थी जब शाहजहां शेख फरार हो गया? देखो वो पुलिस थी ना, आखिर वो पुलिस रही तभी तो इतने सारे लोग गिरफ्तार किए गए, शाहजहां शेख भी बचेगा नहीं, वो भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये आपको 2024 के चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे, ये मौसमी लोग हैं जो महिला सुरक्षा को लेकर मेरे हैं। मुन्ना खान साहब, क्या इस मामले को लेकर चुनावी राजनीति दिख रही है?
देखिए बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो घटने होते हैं तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और उस राज्य के मुख्यमंत्री बिल्कुल खामोश रहते हैं। तो मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि अगर किसी भी राज्य में अगर किसी बहन बेटियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार दुष्कर्म या दुष्प्रचार या टीका टिप्पणी किए जाते हैं तो मैं समझता हूँ सभी दल को एक होकर के उन पर सख्त सख्त कार्रवाई करने की जरूरत करवानी चाहिए और उसके लिए सभी को एक साथ आना चाहिए। अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री का ये दोष है अगर वहां ममता बनर्जी का दोष है तो मैं समझता हूँ सभी को एक होकर के करना चाहिए क्योंकि इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आयुष जी ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं, राजनीति के मुद्दे के लिए हमारे पास कई मुद्दे हैं। जी जी अगर सब कुछ ठीक है तो फिर नेताओं को जाने से क्यों रोका जा रहा है? इसके पहले मुझे याद है उत्तर प्रदेश में भी जब भी ऐसी घटनाएं होती थी टीएमसी के नेता सांसद जो थे दिल्ली से जाने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी की सरकार ने जाने नहीं दिया माहौल खराब करने को लेकर, तब आरोप लगाया गया कि सरकार लोगों से मिलने नहीं दे रही है, पीड़ितों से मिलने नहीं दे रही है। वही अब आज आप कर रही है। जी जी आयुष जी मैं कह रहा हूँ हमने खुद लाठियां खाई है जब हम हाथरस की घटना में उन पीड़िता से मिलने जा रहे थे योगी सरकार के पुलिस के द्वारा, हम लोगों पे लाठियां बरसाएगी। वही आज आप कर रहे हैं जिसका आरोप आप लगाते थे। नहीं नहीं हम नहीं कर रहे सर, आपके साथ हम तो आवाम के साथ खड़े हैं। मुन्ना जी लौटता हूँ मैं, टीएमसी प्रवक्ता से मेरा सवाल है। मुन्ना जी हाँ बोलिए जी। मैं एक एक करके आपका सारे सवाल का जवाब देती हूँ। पहले मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगी जिस फोटो के जरिए आप पूरा देश को आप दिखाइए। ये जो फोटो हम आपको मोबाइल में दिखा रहे हैं आपका स्क्रीन में आ रहा है, अगर उसमें किसी पीड़िता की पिक्चर है तो प्लीज मत दिखाइएगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हम दिखा भी नहीं पाएंगे। अगर है मुझे दिख नहीं रही है लेकिन अगर उसमें है तो मत दिखाइएगा। नहीं 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 उनका फोटो नहीं दिखा रहे, हमको पता है ये फोटो है। देखिए शायद ब्राइटनेस ज्यादा है इस वजह से फोटो ज्यादा ब्राइट दिख रही है हमें, अगर आप सही से दिखा पाए। जुई जी और अपनी बात पूरी करें। आपको दिख रहा है क्या? ब्राइटनेस ज्यादा है हमें कुछ लिखा हुआ दिखा क्लियर। ये औरत जो टीवी शो में आई थी दो तीन दिन पहले बंगाल के एक बहुत बड़ा चैनल में आके बोली थी कि मैं हिंदू महिला हूँ और मेरे ऊपर निर्यातन हुआ है, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है। लेकिन जब ये मुंह अपना ढाक के बैठी हुई थी टीवी स्क्रीन में तब बोली थी मैं एक हिंदू औरत हूँ और मेरे ऊपर अत्याचार हुई है। फिर दो चार दिन बाद जब सुकांत मजुमदार जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है उनकी मीटिंग में ये महिला वहां पर पहुंचते हैं, उनको धक्का देते हैं और सुकांत मजुमदार को गाड़ी से गिरा देते हैं, उनका चेहरा का नकाब खोल जाता है, तो पता चलता है ये एक माइनॉरिटी महिला है जिनका नाम है परवीन बबी जो भाजपा की नेत्री है बशीरहाट जहाँ पे ये घर हो रही है इसी अंचल की जी जी हो सकता है एक केस ही हो लेकिन इससे महिलाओं के आरोप खत्म तो नहीं हो जाते हैं। महिलाओं के आरोप खत्म तो हो नहीं जाते है के बदले दिल्ली में बैठे जूही जी सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक बार को मैं मान भी लूं मुझे केस पता नहीं है और ये राष्ट्रीय मीडिया में नहीं है, एक बार को फर्ज कर भी लिया जाए कि एक केस सही है जिसका जिक्र आप कर रही हैं तो क्या इससे उन महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुआ है उसे जस्टिफाई किया जा सकेगा? उन महिलाओं को इंसाफ मिल जाएगा जो पिछले कई दिन से अपनी आवाज उठा रही है जिनको इंसाफ की राह देखनी पड़ रही है? हाँ मैं वही बात आपको बता रही हूँ। अगर महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है, लगातार अत्याचार हुआ है जैसे ये दावा कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस और सीपीएम, तो वहां पर बशीरहाट तो बंगाल में थे, बशीरहाट भारत वर्ष की पार्ट है, बशीरहाट में इंटरनेट सेवा पूरा 12 साल चले हैं, एक दिन के लिए भी कैसे एक महिला होने के नाते जो ही जी एक महिला होने के नाते आप कैसे जस्टिफाई करें इस चीज को कि 12 साल तक नहीं बताया? आपको पता है कि इंटरनेट वहां पर किसके पास था किसके पास नहीं था? नहीं जूही जी को दिखाइए, जूही जी ये बताइए। मैथिल जी प्लीज रुकिए। जूही जी एक बात बताइए कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश आप कर रही हैं कि 12 साल तक नेट था, महिलाओं ने शिकायत नहीं की? एक महिला होने के नाते आपकी पार्टी की मुखिया महिला है, आपके राज्य के मुख्यमंत्री वही है, आप कैसे कह सकती है कि 12 साल तक नहीं कहा? ये तो शर्म की बात है जूही जी,
बहुत शर्मसार वाली घटना ये। आप एक महिला होने के नाते कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं कि महिलाओं ने 12 साल बाद शिकायत की? मैथिल जी की आवाज रुकी है, मैथिल जी मैं आता हूँ उसके पास, मैं आपके पास ही आऊंगा। लेकिन जूही जी सुनिए, जूही जी बात सुनिए, जूही जी बात सुनिए, आपकी सरकार कार्रवाई करेगी नहीं करेगी, आपकी पुलिस शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर पाएगी नहीं कर पाएगी, दूर का विषय है। पहले ये बात समझने की कोशिश करिए कि जिस चीज को आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल वो गलत है, बुनियादी तौर पर ही गलत है, एक प्रवक्ता होने के नाते भी, और उससे भी ज्यादा गलत है कि महिला होने के नाते। आप कैसे कह सकती हैं कि 12 साल तक महिलाओं ने शिकायत क्यों नहीं की? ये सवाल का हिस्सा है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस ऐसे हैं जहां पर इन बातों को खारिज किया जाता है, ये बुनियाद हो ही नहीं सकता। आप खुद एक महिला होने के नाते जानती हैं कि महिलाओं को आवाज उठाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है। जोई जी मुझे डिबेट चलाना है नहीं चलाना है वो बात अलग है, मैं फिर कह रहा हूँ एक महिला होने के नाते आप ये सवाल कैसे पूछ रही हैं कि 12 साल तक महिलाओं ने शिकायत क्यों नहीं की? जोई जी मैं जस्टिफाई कर ही नहीं रहा, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप कैसे कह सकती हैं कि 12 साल तक महिलाओं ने शिकायत क्यों नहीं की? आप खुद ये तय करिए। जूही जी इस पैनल में बैठा अगर कोई भी आपकी बात से सहमत होगा मैं एंकरिंग करना छोड़ दूंगा, मैं आपको जुबान दे रहा हूँ, मैं आपको जुबान दे रहा हूँ कि अगर आपकी बात से इस पैनल में कोई भी रिगार्डलेस विचारधारा पार्टी की अगर आपकी बात से कोई सहमत होगा मैं आज एंकरिंग छोड़ दूंगा। आप बताइए राहुल जी बताइए। शिकायत तो देखिए कोई किसी भी समय का शिकायत हो सकता है, मुख्य चीज है कि मामले की सघनता से जांच होनी चाहिए और हमें लग रहा है नहीं ये क्या ये बात जस्टिफाइड है कि महिलाओं ने 12 साल तक शिकायत नहीं, 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 नहीं देखिए वो तो देखिए महिला अपराध के मामले में जब मैं सबसे पूछूंगा ये सवाल, जब मीटू का मामला आया था तब भी महिलाओं के ऊपर इसी प्रकार के आरोप लगाए गए थे। सवाल सही है गलत है बताइए? नहीं मुन्ना खान जी बताइए ये सवाल गलत है सही है? 12 साल तक महिलाओं ने शिकायत क्यों नहीं की ये कहना जो विश्वास का बताइए। नहीं बिल्कुल ये सवाल मैं समझता हूँ एक आप भी महिलाएं हैं ये सम्मानजनक सवाल नहीं है। सूर्यप्रकाश मैथिल जी बताइए सवाल सही है गलत है? 12 साल तक शिकायत क्यों नहीं की? नहीं नहीं गलत है ये बात गलत है। सूर्यप्रकाश मैथिल जी बताइए आयुष जी ये बात गलत है। जूही जी आप अपनी पार्टी से भी पूछेंगी ये तुक जो है ये तर्क जो है वो खारिज हो जाएगा। सतीश जी बताइए 12 साल तक महिलाओं ने शिकायत क्यों नहीं की ये बात सवाल सही है गलत है? सर तभी मत होइए ये पार्टी लाइन की बातें कर रही है, तृणमूल का पार्टी लाइन है ये, इनका व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये पार्टी ऑफिस से दिया गया इनका बाइट है, इनका फीडर है, इनको यही बोला गया है बोलने के लिए। तृणमूल कांग्रेस इसे ही तो नकार रही है, आप इस बात को समझिए कि ये साल दर साल चल रहा था और ये सामने केवल इसलिए आया क्योंकि शाहजहां शेख के गुंडों ने ईडी की टीम को और सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया। अब आप सोचिए कि जिस जगह पर सीआरपीएफ पर हमला होता है वहां पर क्या महिला जाकर कोई शिकायत दर्ज करा सकती है? जूही जी खराब बातें बोलना बंद करिए वैचारिक प्रदूषण फैलाना बंद करिए। सर मानी चाहिए आप लोगों के शासन में मां माटी मानुष के नाम पर राजनीति करते हुए माटी को कलंकित कर दिया, मां को मलिन कर दिया, मानुष को पीड़ित कर दिया। आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का ये क्या हो रही है? आप सोचिए जिस जगह पर जो गुंडा बोले जा रहा है वो जब भाग गया है तो महिला आके कौन कर रही है? पश्चिम बंगाल में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जहाँ पर महिलाएं पीड़ित है और कोई बात तो है यहाँ पर इन टोलरेंस अपने संपत्ति समझ के रखी है। ये कहते हैं कि 50% उनको वोट मिलता है, आप वोट की बात जो सूर्यप्रकाश मैथिल ऐसी सोच से तो इंसान की उम्मीद करना फिर तो बेईमानी ही है। नहीं ये आपको कैसे लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? आप बताइए बताइए महत्वपूर्ण चीज देखिए वहाँ पे जो एक्शन है वो एक्शन दिख रहा है। ये आपको सही लग रहा है कि 12 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीजेपी प्रवक्ता की भाषा एक महिला प्रवक्ता के लिए आपको सालिन दिखी एक नेशनल टीवी चैनल पे जो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए राहुल लाल जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए क्या ये विचारधारा सही है कि 12 साल तक महिलाओं ने शिकायत क्यों नहीं की और उस विचारधारा से आप इंसाफ क्यों नहीं करते हैं? मैंने उसका समर्थन नहीं किया बिल्कुल वही कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या घटना को डिनाई किया है?
पश्चिम बंगाल की सरकार की पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि 12 साल से शिकायत सुनिए पहले आप राहुल लाल जी मैं ये कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल सरकार की जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी प्रवक्ता अगर ये कह रही है 12 साल से शिकायत क्यों नहीं हुई। मैं उनके इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं उनके इस तथ्य से सहमत नहीं हूँ कि 12 साल वाले मामले पे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार जो एक्शन ले रही है उस एक्शन से मैं सहमत हूँ। मैथिल साहब जवाब दीजिए, मैथिल साहब जवाब दीजिए मणिपुर पर भी जवाब दीजिए और उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए ब्रिजभूषण उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट हुई, उनका केस चला और वो जेल से बाहर और आज भी तक चला। देखिए राहुल जी कौन सा कमिटी भेजा उनके पास, उनके मामले में कौन सा राज्य बनाया गया है कि राहुल की सरकार ने बनाया दिया किसी प्रदेश में, वो अभी भी संसद में बने हुए हैं। राहुल गांधी और तमाम लोगों को आपने तो संसद से तमाम लोगों को निकाल दिया, विपक्ष को निकाल दिया, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी संसद में भी बने हुए हैं और उनके बेटे को फिर से जो है आपने बनाया सत्ता में आपने उठा के, ये है आपकी कार्रवाई। अगर संविधान की महिला है जो मुख्यमंत्री कहलाई है उनको न्याय दो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लोक सभा की महिला को क्या न्याय देने वाला है आप लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं घर छोड़ के आते हैं इतना शर्मनाक हुआ, लेकिन प्रत्युष जी ममता बनर्जी ने विधान ठीक है मैथिल जी मैं लौटता हूँ प्रत्युष बीजेपी पर एक बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया कि आरएसएस का वहां बेस है और 7-8 साल पहले भी दंगा हुआ था, एक बार फिर से चुनाव नजदीक आते ही आप लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, सदन में कहा गया उनकी तरफ से। बोलिए ये बताएं कि अगर वहां पर आरएसएस का बेस है और ये सारा काम आरएसएस ही करवा रहा है तो वो क्यों नहीं पुलिस से जांच करा के इसको स्थापित करती है, वो शाहजहां को क्यों भगवा दी है, वो शाहजहां को सामने लेकर आए मुझे 20 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको 2018 में लेकर जाना चाहता हूँ। इसी से शाहजहां ने भाजपा के 3 कार्यकर्ता सुकांतो मंडल और प्रवीर मंडल सहित 3 लोगों की हत्या की थी, उस मामले का निपटारा आज तक नहीं हुआ है। यहाँ के घटना पे अच्छी बात है कि आप पश्चिम बंगाल में सक्रिय है, लेकिन जहाँ पे खुद आपकी सरकार है वहाँ पे महिला ठीक है सेलेक्टिव अप्रोच का आरोप जल्दी बताइए। ठीक है पूरे पश्चिम बंगाल की महिलाएं आज आपको देख रही है किस बेशर्मी के साथ आप इस घटना को ठीक है। जोई जी जवाब दीजिए इस पर, जोई जी तृणमूल की प्रवक्ता काम कर रही है लेकिन ठीक है जोई जी आचरण कर रही है पश्चिम बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। बोलना ये तो कोई आपसे सीखे, ये तो आप मगरमच्छ के जो आंसू आप यहाँ पर रो रहे हैं, 12 साल आपके नेता क्या कर रहे थे बशीरहाट में, अगर 12 साल अत्याचार हुआ है तो आपके नेता लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या दिन में, सब क्यों नहीं बताया कि महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है, क्या आपका विकास सिंह को आपका जो लीडर है बशीरहाट मांगने के लिए स्वराज जी ने किया था, लगता है आपको पता नहीं है कि उन सभी लोगों का केस हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और उनमें से एक लॉयर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया भी है, लेकिन आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि आपको तृणमूल पार्टी ऑफिस से जो भी गाइडलाइन मिलता है आप उनको एक तोहफे की तरह आकर रख देती है, क्योंकि आपके पास एक ही अधिकार है किस प्रकार से अपनी सरकार के निर्मम अत्याचार को और ममता के निर्मम चेहरे को छुपाना है। मुन्ना खान जी आपके बड़े नेता जाने की कोशिश कर रहे थे हाथरस, आपके बड़े नेता गए भी थे, ये धमकी का लहजा अधीर रंजन चौधरी जाने का प्रयास कर रहे थे, आपके राष्ट्रीय नेता कितने नेता जाएंगे आज बंगाल में होने वाली है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपका आवाज नहीं आ रही सर, इनको प्लीज जी को शांत कर दीजिए। ठीक है प्रतीश जी बस शांत कर दीजिए। हां बोलिए जी, आपके कितने बड़े नेता संदेश खाली जा रहे हैं आज? नहीं सवाल अभी मैं देख रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता किस तरीके से लच्छेदार भाषणों में अपनी बातें रख रहे थे, इनको तब शर्म नहीं आई जब मणिपुर में अर्धनग्न बेटियों को घुमाया गया तब शर्म नहीं आई, इनको तब शर्म नहीं आई जब
हाथरस की घटना हुई, का सवाल पूछ रहा हूं, मैंने मणिपुर पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बलात्कारें हो रही थी बहु बेटियों के और वाहनग्न घुमाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश में सरेआम बलात्कार करके जलाया जा रहा था माताओं बहनों को, तब तो तुम्हें शर्म नहीं आई। और जब आज पश्चिम बंगाल की बात आई है तो शर्म आने लगी, पश्चिम बंगाल की जनता भी देख रही है, तब तो इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती थी। सवाल यह है कि यह जब तक ये राजनीति इन लोगों के द्वारा चलती रहेगी, इसी तरह माँ और बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लुटती रहेगी। अगर अन्याय हुआ आयुषी कही तो हम वहां खड़े हैं, क्योंकि हमारे जो हमारी विचारधारा है उसमें किसी तरह का भेदभाव किसी जाति धर्म समुदाय का नहीं है, हम सभी पीड़ित के साथ खड़े, चाहे मजदूर हो, युवा हो, जवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, हम सभी के साथ खड़े। सवाल यह सरकार किसकी चल रही है, नहीं है, आपने देखा शीला दीक्षित जी की सरकार थी किस तरीके से एक्शन लिया गया, जब वो रेप केस में जब उसकी वो मामले को तूल पकड़ा, किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और इमीडिएटली एक्शन लिया गया। तो सवाल यह कि बंगाल की सरकार एक्शन ले रही है, बताए उत्तर प्रदेश की सरकार कि वो क्यों नहीं एक्शन ले रही है, आए दिन 3 रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश का ये रिकॉर्ड बता रहा है। तो सवाल वो है ना आयुष जी कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ये सिलेक्टिव अप्रोच कब तक रहेगी सियासत में, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए? महिला सुरक्षा की बात पर एक हमारा एक तुम्हारा वाला कब तक चलेगा? धन्यवाद आयुष जी। देखिए बलात्कारियों के ऊपर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है वो जग जाहिर है, लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, लगातार उनके एनकाउंटर भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ मुन्ना खान जी की बात बोल रहे थे, जिस तरीके से भूषण मिश्रा पर चले, कुलविंदर राणा को छोड़ा जा रहा है, भूपेंद्र यादव को छोड़ा जा रहा है, जसवंत सिंह को छोड़ा जा रहा है, ये देश की जनता देख रही है उत्तर प्रदेश सरकार में किस तरीके से बंगाल पर वही कर रही है बंगाल की सरकार भी, वही कांग्रेस भी करती है। आप मुझे बताइए मणिपुर पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल मुझे बताइए, राज्यपाल ने कभी दिया कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? पश्चिम बंगाल के संदर्भ में राज्यपाल ने लिख के दे दिया कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मणिपुर में आपने मुख्यमंत्री तक नहीं बदला, आपके निकट में मुख्यमंत्री अभी तक मणिपुर में बने हुए हैं। क्या शब्दों का इस्तेमाल मत करिए राहुल जी, प्लीज। प्रत्युष जी बताइए कि क्या इस मुद्दे को लेकर राजनीति की जा रही बीजेपी की तरफ से, बंगाल के किसी भी मुद्दे पर अल्ट्रा एग्रेसिव होना सही है? प्रत्युष, 2,22,00,000 जनता ने हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभाने का ये काम दिया है, और विपक्ष होने के नाते हमारा ये काम है कि हम जनता की आवाज बने, और जनता की आवाज बनने के नाते जहां जहां भी अन्याय अत्याचार होगा वहां बीजेपी पुरजोर रूप से बोलेगी। और संदेश खाली की घटना का रास्ता कहां से निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, राज्यपाल से, राष्ट्रपति से, राज्य की पुलिस से? देखिए ये सारी बातें जो कानूनी है ये कानूनी रूप से चलती रहेगी, और हम लोग कोर्ट में भी हैं और मैदान में भी हैं, हम लोग मैदान में भी हैं और राज्यपाल के यहाँ भी हैं, जिस जगह से इनके लिए न्याय हो सकेगा हम उस जगह विश्वास जी कराएंगे। लेकिन देश की जो महिलाएं आपको देख रही हैं उनको आप कैसे भरोसा दे रही हैं कि बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार इस मामले में इंसाफ करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा? जी मैं पहले भी बोल चुकी हूँ एक बात, और अभी भी हुई, मैं बहुत शालीनता से कह रहा हूँ, बंगाल में महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है,
आज भी अगर अगर एनसीआरबी का रिपोर्ट देखेंगे कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन, एनसीआरबी के आज भी बढ़ता है एफआईआर दर्ज होगा। मैंने दिखा अगर ऐसा था तो कोलकाता से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर इस घटना को लेकर तुरंत एक्शन क्यों नहीं दिखा? जी जी, हम लोगों ने जो एफआईआर दर्ज हुआ है उनके खिलाफ ऑलरेडी 17 लोगों को अरेस्ट किया है। अगर कोई भी महिला आगे आके और भी एफआईआर दर्ज करेंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये पश्चिम बंगाल प्रदेश में ईडी सुरक्षित नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस सुरक्षित नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, वहां पर एनएचआरसी की डेलीगेशन बहुत सुरक्षित नहीं, वहां पर महिलाएं निकलकर अपना मुद्दा का रिपोर्ट करेंगी क्या? उनको सिर्फ खुद ही थ्रेटनिंग दे रही है, धमकी दे रही है कि यदि आप कंप्लेन की तो आपके पति की हत्या का बंगाल की आईडेंटिटी पहले से था हुई थी। शर्मा जी को इनकी पुलिस ये पूछ रही है कि क्या हुआ तो हुआ कैसे, आप हमें सबूत दीजिए। महिलाओं के बलात्कार के सबूत मांग रही है पश्चिम बंगाल पुलिस, ये बहुत शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल की सरकार बलात्कार में अपने कुछ मुल्ला खान साहब, इंसाफ का रास्ता कैसे निकलेगा? और अगर इंसाफ का रास्ता बंगाल सरकार के पास है तो फिर आपके नेता को धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है? मुन्ना खान, देखिए आयुष जी, मैं पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी इसलिए धरने में बैठी है कि इंसाफ चाहिए पीड़िता को। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हर उस अत्याचार सरकार के खिलाफ है जो अन्याय के परख रास्ते पे चल रही। अगर युवाओं के साथ अन्याय है कांग्रेस पार्टी खड़ी, अगर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी। आप बताएं कि किसी से हमदर्दी नहीं है। सवाल है कि कोई भी घटना अगर देश को झकझोरती है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा चाहे सरकार कांग्रेस। ठीक है प्रत्युष, बताइए सियासत के साथ इंसाफ होगा की गारंटी कैसे मिलेगी? नहीं, आप ये बात समझिए कि ये संदेश खाली की घटना केवल एक राजनीतिक घटना, केवल डिबेट का विषय नहीं है। आप समझिए कि संदेश खाली घटना कब निकल कर आई, जब 5 जनवरी को शाहजहां से के गुंडों ने ईडी और सीआरपीएफ पर हमला किया, एक महीने तक शाहजहां लापता रहा, अंडरग्राउंड रहा, तब वहां की महिलाओं में साहस आया कि वो आगे आकर इसका मतलब ये है कि संदेश खाली महिलाओं के मामले में आयोजित किसी प्रकार का चयनात्मक चीजें नहीं होनी चाहिए।